आड़ माच ये का है का 200 आप 60 ভালো ইজ ভালোটা লেটস গাই কিপ ইট এগুলো বলছো 18 हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाउश एंड प्रियंका। एशियल मार्केट बेंगलुरु का बहुत ही पॉपुलर एंड बिग मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिलती है, पूरा वेजिटेबल्स का पोर्शन है और पूरा फ़िश का पोर्शन है। बंगाली का जो भी अच्छा अच्छा फ़िश होता है सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं आज सोची कि चलो आप लोगों के साथ ये पूरा मार्केट शेयर किया जाए। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ओनली फ़िश शॉप। यहाँ पर टोटल 1 से 14 फ़िश स्टॉल है जो मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूँगी। तो पहले बता दें कि इस मार्केट में अंदर आने के लिए 2 गेट है। नंबर 1 जो फर्स्ट वाला गेट होता है सामने का गेट, उससे अंदर आओगे तो पहले मिल जाएगा वेजिटेबल शॉप। और आज आप लोगों के साथ मैं फिश स्टॉल शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं पीछे का गेट सेकेंड गेट से अंदर आई हूँ, वो नज़दीक होता है फिश स्टॉल के। तो ये हो गया अंदर आने के बाद। अब आते हैं कैसे आएंगे। जब भी आप एचएल मार्केट में सर्च करोगे तो वहाँ पर आप लोकेशन मिल जाएगा, और लोकेशन वाइज यहाँ पर ऑटो ओला उबेर सब कुछ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। और आप बस में आओगे तो वहाँ पर मैं बता दूँ कि बस का जो स्टॉपेज होता है वो सेकेंड गेट के पास ही होता है, तो बस से उतरकर आप सेकेंड गेट से अंदर आ सकते हो। तो चलो अभी एक एक करके फ़िश स्टॉल चेक करें और फ़िश कैसे पता चले कि अच्छा है बुरा है सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो पहले मैं आ चुकी हूँ स्टॉल नंबर 1 में। इरिश कितना? 1800 1000 रुपये। और पॉम्फ्रेट? पॉम्फ्रेट 1500 दीदी। 1500 बड़ो पॉम्फ्रेट नहीं दीदी, पॉम्फ्रेट की कम वाला प्राइस में क्या है? कम वाला नहीं, 740 का 700 लगाता है। मतलब ये 740 का 700 लगाता है। मैं अभी स्टॉल नंबर 1 होके अभी आ रही हूँ स्टॉल नंबर 2 में, लेकिन मुझे कुछ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। वो है स्टॉल नंबर 1 में आपको सारा फ्रेश फिश मिल जाएगा। भेटकी है, बाबटा, आर्ट, एवरी फिश, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश वहाँ पर मिल रहा है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्रेश क्वालिटी है। लेकिन मुझे जो लगा है, बिकॉज मैं तो सारा वीडियो कर चुकी हूँ पूरा स्टॉल का, तो सब स्टॉल से एफ नंबर 1 का जो स्टॉल है इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। खरीदना है तो बार्गेनिंग करके खरीदना है। अभी जो मैं स्टॉल के पास खड़ी हूँ वो है स्टॉल नंबर 4। एक्चुअली 2 और 3 में कुछ भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर डिटेल्स वीडियो नहीं किए। 850 और अभी मैं आई हूँ स्टॉल नंबर 4 में, जहाँ पर बहुत सारे फिश का ऑप्शन है। यहाँ पर पॉम्फ्रेट, पोप शेप, पापदा, आर, भेटकी, बासा, एवरी वैराइटीज ऑफ फिश मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिश का क्वालिटी मुझे एकदम ही सही नहीं लगा। पता नहीं आज का बात है क्या नहीं, स्टॉल नंबर 4 में फ़िश का क्वालिटी एकदम भी अच्छा नहीं है। इतना सारा फिश था लेकिन सब के अंदर मुझे लगा कि पापदा जो था वही थोड़ा सही था, थोड़ा फ्रेश था पापदा, और जिसका बोल रहा था 680 पर किलो, वो छोड़कर कोई भी फिश अच्छा नहीं लगा। तो चलो अब जाते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। नेक्स्ट जो 5 स्टॉल है वो बंद था, तो अभी मैं चलती हूँ स्टॉल नंबर 6। বলগা চিংড়ি 8.5 ভালো ইজ ভালো ইজ পমফ্রেট পমফ্রেট 1200 এটা 1500 এক্সট্রা ইজ পমফ্রেট 500 নে 500 গান ইজ ভালো ইজ ভালো ইজ 1800 1500 1200 নিলেন ডিসকাউন্ট আছে 1000 লাগা কবি তো ভালো কাজ কি হবে
শিঙ্গি কত বেটা দিদি 850 টাকা কেজি বেশি কই 1200 টাকা কই মাছ ওই দেখাশোনা ফ্রি দাও না কত করে 1200 টাকা কেজি खावे बोल में। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्टॉल नंबर 6 का रिव्यू। यहाँ पर आकर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है लाइव फिश का कलेक्शन, शिंगी, मागुर, कोई, शोल। तो यहाँ पर बहुत ही फ्रेश मिल रहा था। इसके साथ 5-6 फिश मैं हाथ में लेकर चेक कर रही थी कैसा, वो भी बहुत अच्छा था, फ्रेश था, डीम भरते 5-6। नेक्स्ट बताऊंगी पॉम्फेट का। पॉम्फेट का प्राइस मीडियम साइज़ बोल रहा था 1200 पर किलो और सबसे बड़ा जाम्बो साइज़ का बोल रहा था 1500 पर किलो। और नेक्स्ट जो है इस यहाँ पर हिलशा का कलेक्शन, हिलशा कलेक्शन 3 टाइप्स का हिलशा मिल रहा था। एकदम छोटा वाला हिलशा जो 1 किलो के अंदर पड़ता है, तो उसका प्राइस बोल रहा था 1000 पर किलो। 1 किलो के ऊपर मीडियम साइज का जो हिलशा था वो बोल रहा था 1500 पर किलो। और सबसे जम्बो बड़ा साइज़ का जो हिलशा मिल रहा था वो था 1800 पर किलो। तो मेरा रिकमेंड यहाँ पर यही है कि यहाँ से स्टॉल नंबर 6 से आप लोग लाइव फिश और हिलशा ट्राई कर सकते हैं। मैडम बोलो এটা তোপসে মাছ। হ্যাঁ তোপসে কত? তোপসে 1200 টাকা। কাজুরি? কাজুরি 850। এক পিস 200 টাকা। আর এই চিংড়ি? এ 1200। 1200 টাকা। হ্যাঁ 750 টাকা মধ্যে কেনা, এটা যদি দিলাম এক্ষুনি 850 টাকা। और टीके फिश स्टॉल में जो मैं नोटिस की हूँ यहाँ पर बेट की बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है। प्राइस बोल रहा था 750, जब लेना होगा तब वो लोग कम कर दे रहा है। और उसके साथ पॉम्फेट का बात तो करना ही पड़ेगा, बहुत ही फ्रेश एकदम बड़ा एकदम अच्छा पॉम्फेट मिल रहा था यहाँ पर 1200 पर किलो बोलकर। उसके साथ आप नया कुछ ट्राई कर सकते हो, तो तोपशे का ट्राई कर सकते हो, गोल्धा भी ट्राई करते हो कर सकते हो। और अब आते हैं इस टीके फिश स्टॉल का फैसिलिटी। ये लोग होम डिलीवरी देते हैं और कोई भी चार्ज नहीं लेता, मतलब जितना भी डांजो पोर्टर के थ्रू दिए होम डिलीवरी का चार्जेस होता है वो कुछ भी नहीं लेगा। आपको परचेस करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ का फिश। तो टीके फिश स्टॉल का ये फैसिलिटी है। और इसलिए जो होम डिलीवरी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। वहाँ पर आप फिश चूज करके यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। स्टॉल नंबर 8 के बाद मैं गई 9 और 10 में, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़िश नहीं था। देख सकते हो वीडियो में बहुत ही कम फ़िश मिल रहा था, जैसे लोकल शॉप में मिलता है वैसा ही सी फिश ज़्यादा था। तो मैं वहाँ पर ज़्यादा रिव्यू नहीं शेयर करूँगी। मैं इसके बाद गई स्टॉल नंबर 11 में। मैं खड़ा हूँ रायन फिश स्टॉल में जो है 11 नंबर स्टॉल। यहाँ पर आकर जो मैं देखी कि बहुत ऑप्शन है फिश का, पापदा, टेंगरा, रुई, कतला, फिर बासा, आर सभी मिल रहा था। लेकिन फ़िश का जो क्वालिटी था एकदम फ्रेश नहीं था, सड़ा हुआ था। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ से फ़िश लेने को, बिकॉज़ ये भी हो सकता है कि जिस दिन मैं गई थी उस दिन शायद ये अच्छा फ़िश नहीं हो रहा था। जिस दिन आप जाओगे तो मिल भी सकता है अच्छा फ़िश, बिकॉज फ़िश का डिलीवरी भी, फ़िश का सप्लाई सबके ऊपर डिपेंड करता है। ₹1200, इसका 800 और मागुर का। चैनल का जो भी नया दोस्त है जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के जो वीडियो में मैं जितना हो सके उतना डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। कितना परचेस करना पड़ेगा, कितना पैसा? मिनिमम 1000 रुपीज़ का परचेस।
500 टू 1000 तक परचेज करने से फ्री होम डिलीवरी। वो साड़ी मार के सब कितना बाबा 10 रुपए नहीं देखना अच्छा मुझे दो अभी मैं खड़ी हूँ 12 नंबर स्टॉल में, जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ था। मतलब पूरा जो नंबर 1 स्टॉल से लेकर 14 तक जा रहा था मैं, तो सबसे ज्यादा 12 नंबर स्टॉप शॉप में भीड़ था। तो चलो अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। स्टॉल का भी होम डिलीवरी का ऑप्शन है, और इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। और इनका भी रूल सेम है, 1500 से लेके 1000 तक परचेस करने से ही ये लोग होम डिलीवरी कर देते हैं। और व्हाट्सएप में आप फिश भी चॉइस कर सकते हो, आपको क्या फिश चाहिए। पापदा कलकत्ता पापदा 680 बेस्ट है, इधर आंध्रा पापदा 500 का। नाम सेवन टाइम पॉम्फ्रेट कितना करते दे रहे हो? पॉम्फ्रेट बड़ा वाला, छोटा वाला 1200, बड़ा वाला 1300। पूरा बंगाली आइटम बांग्लादेश से 2200। और ये क्या फिश है? बेटा पोली मछ बोलता है, फुलोरी पोली मछ। कितना प्राइस? 200 रुपीस किलो। कट करके दोगे ना? पूरा सफाई करके क्लीन से करके देगा, होम डिलीवरी भी है। बेटा 8 मार्च। हां वो तो पासा 8 मार्च, पासा नहीं, पासा इधर। बेटा कलकत्ता 8 मार्च ओरिजिनल, बेटा आंध्र पासा 180 रुपीस किलो। और 8 मार्च कितना है? 8 मार्च 680। बेटा सारा फोन 350 रुपए किलो, 350। अरे ओरिजिनल कलकत्ता पेटी, फिले गिले पूरा हो जाता है, 700 किलो। 700 कलकत्ता में ना ओरिजिनल पेटी। दूसरा स्नैपर समुद्र का मछली, छोटा फिश की, छोटा फिश की भी उतना है, 700। वो स्नैपर है समुद्र का, 550 किलो। बोला12 नंबर स्टॉल पूरा देखने के बाद मेरा यही ओपिनियन है, जे यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिश मिल रहा था, सब अच्छा था, फ्रेश था। और उसके साथ अभी तक मतलब स्टॉल नंबर 1 से लेके 12 तक कहीं भी मैं लोटे फिश नहीं देखी थी, तो यहाँ पर लोटे मिल रहा था। दीदी नमस्कार, बोलो दीदी चांद तो सो लाइव क्रैप क्रैप तो कट करके दोगे ना? पूरा कट करके दो। कितना बोल बोले? 650। 650 अब देना ना कम, अब देना ना कम। ये तो मत बिग साइज लाइव क्रैप बोले कस्टमर आवे। एक का वेट कितना रहेगा? एक का आएगा 200, आपको 400-500 ग्राम आएगा। पॉम्फ्रेट व्हाइट पॉम्फ्रेट बिग साइज फ्रोजन, बिना फ्रोजन का नहीं है, कच्चा आइटम है। 1300 है, 13 13 छोटा, इससे छोटा वाला नहीं, खाली हो गया। ब्लू क्रैब्स एक कितना? ब्लू क्रैब 750 है। टेस्ट ज्यादा है इसका? वो तो फोने बुक करा जाबे, तो फोने दुगो और डांसो करे देबे। हां डांसो बोर्ड कर दो, हमें पढ़े दीजिए। गोटा नीले কত আর কাটা নিলে কত? গোটা নিলে 260, কাটা নিলে 450। আর যদি হাফ নে? হাফ নিয়ে লো,
चलो आप शेयर कर देते हैं 14 नंबर स्टॉल का रिव्यू। यहाँ पर क्रैब बहुत ही अच्छा मिल रहा था, एकदम बिग साइज़ का हम लोग जो क्रैब खाते हैं वो मिल रहा था। प्राइस भी सबसे कम था इस स्टॉल में जितना तक स्टॉल हम घूमे। उसके साथ पॉम्फ्रेट मिल रहा था, भेटकी भी मिल रहा था। यहाँ पर एक बात है, आप कातला ले सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा जो कातला होता है। कातला का जो प्राइस है वो मैं देखी, एकदम स्टॉल नंबर 1 से लेके 14 तक घूमी हूँ मैं, तो मुझे लगा 14 स्टॉल में सबसे कम प्राइस में कातला मिल रहा था। उसके साथ भेटकी भी कम प्राइस में मिल रहा था। तो भेटकी, कातला, क्रैब खरीदना हो तो आप लोग 14 नंबर स्टॉल चूज़ कर सकते हैं। जो होम डिलीवरी ऑप्शन है फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। तो ये रहा मेरा फुल रिव्यू एशियन मार्केट के ऊपर। नया दोस्त से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।